एक बहुत ही दुखद भरी खबर आप तक साझा करने की कोशिश कर रहा हूं कि 14 साल की उम्र की एक लड़की, जब उसने जो है वो घर में बना जो खाना था वो खाया, तो उसके बाद जनाब वो लड़की जो है वो बेसुध हो गई। लेकिन बदकिस्मत रही कि उसके बाद इस 14 साल की बच्ची की जो है वो जान भी चली गई है। ना जाने क्या वजह रही है कि जिस पूरे परिवार ने जब ये खाना खाया है तो उसके बाद कुछ परिवार जो है वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट है, और ये कहें कि उसमें से एक 14 साल की बच्ची जो है वो अपनी जान गंवा बैठी है। परिवार वाले हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर शिविर अहमद। क्या हुआ, पूरी बात बताएं। जनाब हम देसा रहते हैं, इनका डेरा इधर आया था, इनको होगी 6 साल, इधर माल मवेशी लेकर इधर आए थे। हमें मौके का कोई पता नहीं है, क्योंकि हमने भी फोन पे बात सुनी कि कल दोपहर को इन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद ये बेहोश हो गए। पहले बच्चे बेहोश हो गए, बाद में वो मियां बीवी बेहोश हो गए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये देसा रहते हैं, मंजमी देसा लूर रहते हैं। देसा कहाँ पड़ता है? डोडा से, डोडा डोडा के अंदर देसा, डोडा जी। तो वहाँ से इधर शिफ्ट करा, इधर इनको इधर ही आए थे ये, इनका इधर खोड़ू में है ना डेरा, खोड़ू में जानते हैं खोड़ू? हाँ हाँ, उधर इनका डेरा था, 6 साल हो गई थी, इधर ही रहते हैं, माल मवेशी गर्मी में भी इधर ही रहते थे। अच्छा, और अच्छा रसूख आपस में ठीक रहते थे, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, फितना नहीं, कोई कुछ नहीं। अचानक ये माहौल बन गया, हम फिर शाम को हमें पता लगा, शाम के टाइम हम रात को 2 बजे इधर पहुंचे। क्या खाने के लिए क्या बना था खाने में? इन्होंने फुलका बनाया तो लस्सी बनी थी, तो बाकी चटनी बनाई, प्याज और मिर्चें। अच्छा, तो बस वही खाई, उसी का बहाना बन गया, उसी का बहाना जी। तो घर में कौन, अभी कितने लोग अंदर एडमिट है? अंदर 3 लोग हैं। 3 लोग एडमिट है जी, 3 लोग, एक बच्चा है 17 साल उसकी उम्र है। अच्छा, बाकी उसका माँ और बाप है इधर, तो लड़की की तो डेथ हो गई। अच्छा, वो 14 साल की लड़की। क्या नाम है लड़की का? रकिया। रकिया जी। कुछ पता चला अभी तक खाने में? अभी क्या तक है? कोई पता नहीं चले, कोई रिपोर्ट नहीं, अभी तक कोई पता नहीं चला। और कौन है आपके साथ? सर हमारे साथ बहुत फैमिली है, ये है मेरा जी। सर आपके क्या लगते थे? मेरी साली की लड़की थी। साली की लड़की थी जी। क्या हुआ, कुछ बताएंगे? सर ये खाने का चक्कर हुआ और कुछ नहीं हुआ, खाना खाया बस, उससे से कुछ बन गया घर के सारे 4 लोगों को। खाने में क्या क्या बनाया था? खाने में बनाया था लस्सी तो, और चटनी और रोटी। अच्छा जी सर, यही सर, यही चक्कर यही हुआ खाने का ही, बना बना और कोई मसला। खाना किसने बनाया था घर में? माँ ने बनाया था, बच्ची की माँ ने, जो बच्ची की डेथ होगी उसकी माँ ने बनाया था खाना। कितनी देर के बाद खाना खाने की, कितनी देर के बाद ये बेहोश हो गई? खाना खाने से बाद कोई 10-15 मिनट से बाद बेहोश हो गई। अभी तक कोई उस खाने के सैंपल लिए गए हैं? सैंपल तो बहुत लिए गए हैं, पर अभी टेस्ट कोई आया नहीं है। अभी बाहर टेस्ट गए हैं, अभी आएंगे तो पता चलेगा, अभी टेस्ट कोई मिला नहीं हमें, इसमें कोई पता अभी नहीं चला। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले हैं, तो अब रहते इधर डेरा लेके इधर आए, माल बेची लेके आए इधर। अच्छा, 2 साल से आ रहे हैं इधर। ये यहाँ कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं इधर शमजोड़िया में, खोड़ में। खोड़ शमजोड़िया। हाँ, काफ़ी दुखद रहता है इस समय की झीम से, जम्मू से आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो एक परिवार में जो है वो फुलके और ये कहें कि प्याज और पुदीना की चटनी और उसके साथ साथ लस्सी वगैरह ये बनती है, और उसके बाद ये सारे परिवार जो है वो इस पूरे खाने को खाता है। लेकिन ऐसे में सबसे पहले इस खाने के खाने के बाद जो है वो बच्चे बेहोश हुए, और उसके बाद घर के जो बाकी लोग थे वो भी जो है बेहोश हो जाते हैं, और जिसमें से उन सभी लोगों को जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। लेकिन उसमें से बदकिस्मती रही है कि जनाब उसमें एक बच्ची की जान चली गई है। ना जाने क्या वजह रही है, क्या वजह है, क्योंकि लस्सी की बात करें तो वो भी घर में जो है वो लोग बनाते हैं, रही चटनी की बात तो वो भी पुदीना और प्याज जो है वो ये अपने घर में ही जो है वो लोग वहाँ पर उगाते भी हैं, और वहाँ पर सब जो है अपने घर में ही तैयार करते हैं। लेकिन ऐसे में अब ना जाने आटे में मिलावट थी या फिर लस्सी के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिल गई थी या घुल गई थी कि जिसकी कोई ऐसी जहरीली चीज़ थी कि जो है वो सभी को बेहोश कर गई, और जिसके बाद शायद बच्ची की जान चली गई। हालांकि मामला जान से जुड़ा है, लेकिन काफ़ी हैरानगी है कि किस तरह से जनाब जब परिवार एक खाना खाता है, डोडा के देसा का रहने वाला ये परिवार है शमजोड़िया, मैं यहाँ पर जो है पिछले 2 सालों से यहाँ पर रह रहा था, अपने मवाल मवेशियों को यहाँ पर लेकर पहुँचा था, लेकिन उसमें खाना खाने के बाद पूरा परिवार बेहोश हो गया, और उसके बाद जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया है जीएमसी जम्मू में, तो यहां पर एक 14 साल की लड़की ने जो है वह अपना दम तोड़ा है। काफ़ी दुखद ये खबर है जो कि आप तक जो है वो पहुंचाने की कोशिश करें। जीएमसी जम्मू से ये तस्वीरें हैं, यहां पर एक 14 साल की बच्ची की जान चली गई है, लेकिन जिसकी अगर आप वजह सुनेंगे
तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार जनाब ये सब जो है वो कैसे हो गया है। सबसे पहले आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा, और जो और भी लोग अभी भी जो लोग अभी भी जो है वो इसमें ये कहें कि गंभीर हालत में हॉस्पिटल में यहाँ पर अभी एडमिट हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और सही सलामती से अपने अपने घर जो है वापस लौट सकें। तो आप सब लोगों से कहें कि घर में आटा रखा है या फिर कुछ भी चीज़ अगर आपने रखी है, चाहे वो सब्जी बना के रखी हो या फिर लस्सी हो, दूध हो, कुछ भी हो, तो उसे जो है वो कोशिश करें कि खुले में ना रखें, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जब आप किसी भी चीज़ को खुले में रखते हैं तो उसमें से कुछ ऐसी जहरीली चीज़ अपना जहर वहाँ पर छोड़ जाती है कि जिसका शायद आपको पता नहीं होता है, लेकिन जब आप उस चीज़ को खाते हैं तो बाद में जो है वो इस तरह की खबरें जो है वो सुनने को मिलती हैं। तो ऐसा ही मामला जम्मू से सामने आया। यहाँ पर डोडा के देसा का रहने वाला एक परिवार जो कि इन दिनों पिछले 2-3 सालों से जो है वो जोड़िया इलाके में यहाँ पर रह रहा था, लेकिन ऐसे में जब परिवार ने जो है वो अपने घर के अंदर एक यानी कि बच्चों की माँ ने जो है वो जब खाना पकाया, तो खाना पकाने के बाद जब पूरे सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाया कि बच्चे जो है वो खाना खा लें, और उसके बाद जब बाकी लोगों को खाना खिलाया तो ऐसे में सबसे पहले बच्चे जनाब बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद जो माँ जिसने खाना बनाया था वो भी जो है बेहोश हो जाती है, और घर के बाकी सदस्य जितने भी थे वो जो है वो बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद उन सभी को हॉस्पिटल में यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर उस 14 साल की बेटी की जान चले गई है, और उसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि अभी भी बाकी जो परिवार के सदस्य हैं वो GMC जम्मू में यहाँ पर एडमिट हैं और उनका ट्रीटमेंट इस समय यहाँ पर किया जा रहा है। तो लंबी उम्र की दुआ जरूर कीजिएगा जो लोग अभी गंभीर हालत में हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग अभी जिस बच्ची की जान चली गई है उसकी भी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। ओम शांति जरूर लिखिएगा माता रानी जी के आगे, वाहेगुरु जी के आगे, अल्लाह के आगे हम भी ये दुआ करते हैं कि जनाब इस बच्ची की आत्मा को शांति मिले। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर जम्मू।